अधर मध्य प्रदेश विधानसभा में नवाचार किया गया, एमपी के सीएम और विधानसभा अध्यक्ष की तस्वीरें लगाई गई हैं। विधानसभा परिसर में इन सभी लोगों की तस्वीरें लगाई गई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने यह ऐलान किया था। एमपी के सीएम और विधानसभा अध्यक्ष की तस्वीरें लगाई गई, नवाचार यहां पर विधानसभा में किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम लगातार नवाचार कर रहे हैं। पूर्व विधायकों की एक बैठक बुलाई और बैठक में जो मांगे थी पूर्व विधायकों की, उनमें से अधिकतर मांगों को पूरा भी कर लिया गया। और उसके पहले, कुछ दिन पहले, उन्होंने ऐलान करा था कि मध्य प्रदेश विधानसभा के जितने भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी तस्वीरें विधानसभा परिसर में लगाई जाएगी। और आप देखेंगे कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें लगाई गई हैं सभी। आप पहले देखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल, 1956 से में ये पहली बार मध्य प्रदेश को कोई मुख्यमंत्री बने थे, और अभी के मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष पहले अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, मध्य प्रदेश विधानसभा, कुंजीलाल दुबे, उनकी तस्वीर लगी हुई है। और अभी मौजूदा अध्यक्ष जो हैं गिरीश गौतम, या फिर कमलनाथ सरकार की बात की जाए, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ये सभी यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्षों की तस्वीरें लगाई गई हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं तमाम जितने भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, चाहे कुंजीलाल दुबे की बात करें, काशी प्रसाद पांडे की बात करें, या फिर गुलशेर अहमद की बात करें, या यज्ञदत्त शर्मा की बात करें। तो इस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक नवाचार मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कर रहे हैं। और उसी में से एक नवाचार ये भी है कि विधानसभा परिसर के अंदर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी के मुख्यमंत्री, सभी की तस्वीर लगाई गई है। तो इससे ये भी फायदा होगा कि मध्य प्रदेश का इतिहास क्या रहा है विधानसभा का, उसकी जानकारी भी आसानी से जो भी विधानसभा पहुंचेगा उसको मिल जाया करेगी। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।